स्वागत है आपका शब्दों की खेती में। प्रस्तुत है हिंदी भाषा की क्यारी का नव पल्लव स्वनिमिक दो। इसमें शेष दो स्वनिमिकों के उच्चारण स्थानों एवं प्रयत्नों के परिचय के अलावा उनके प्रकारों की भी सोदाहरण चर्चा की गई है। अच्छी लगे तो चैनल को समर्थन दीजिएगा। नंबर चार, संहिता। जब बोलते समय एक स्वनिम से दूसरे स्वनिम तक संक्रमण करते हुए किंचित अवकाश दिया जाता है, उसे संहिता कहते हैं। संहिता भी अर्थ परिवर्तन में सक्षम होती है, जैसे शर्म आ गई, मुक्त संक्रमण, शर्म आ गई, युक्त संक्रमण। तिन का यानी उनका, तिन का यानी तृण। हम हारे या हम हारे। नंबर पांच, अनुतान। जब बोलते समय किसी स्वनिम को विशेष सुर से उच्चरित किया जाता है, उसे अनुतान कहते हैं। अनुतान में भी कथ्य का मंतव्य बदलने की क्षमता होती है। इसके दो संघटक तत्व माने जाते हैं। नंबर एक, सुर स्तर। किसी को आवाज लगाकर संबोधित करने अथवा सावधान करने की स्थितियों में अति उच्च सुर का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में चार सुर स्तर पाए जाते हैं। अति उच्च, रहने दे, उच्च, झल्लाहट, रहने दे, मध्यम, सामान्य, रहने दे, निम्न, उदासीन, रहने दे। नंबर दो, सुर गति। वाक्य के पदों के उच्चारण की स्थिति तीन प्रकार की हो सकती है, जिससे विभिन्न प्रकार के मनोभाव प्रकट होते हैं। नंबर एक, आरोही। जैसे प्रश्न है, सतीश चला गया, आप भी जाएंगे? नंबर दो, अवरोही, खेद सूचक। सतीश चला गया, आप भी जाएंगे? नंबर तीन, सम। सतीश चला गया, आप भी जाएंगे? शेष फिर। कैसी लगी चर्चा कमेंट कीजिएगा। आभार।